हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। ये एक छोटा सा क्लिप है, आई होप इस क्लिप को देख के आपको पूरा एपिसोड का पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग क्लिप को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है कि कन्नड़ा एक्टर चेतन कुमार ने ये कहा कि बुद्धिज्म को खत्म करना मूल कारण ब्राह्मणवाद है। क्या वो सच है? क्या ब्राह्मणवाद गलत है सर? कन्नड़ा एक्टर चेतन कुमार अमेरिका से पढ़ करके आए हैं। उनकी जड़ हिंदुस्तान की धारा से जुड़ी हुई नहीं है। कभी उन्होंने इस बात पर सोचा है कि दुनिया में सारे के सारे सभ्यताएं विदेशी आक्रमण खास के इस्लामी हमलों में समाप्त हो गई, लेकिन भारत ने इतने वर्षों से इस हमलों को कैसे झेला और अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखा? कैसे? उसका मूल कारण है इसमें बसा हुआ इसके प्राण राम कृष्ण और शिव में, और उसका जो व्याख्या करने वाला उसकी आत्मा को जो बचाए रखने वाला वो ब्राह्मणवाद है। अगर कुमार कहते ब्राह्मण गलत है तो मैं मान लेता, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद पे प्रश्न चिन्ह लगाया। यह एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। उनको ब्राह्मणवाद की परिभाषा पता नहीं है। देश के सारे समाज सुधारकों ने, चाहे विवेकानंद हो चाहे दयानंद सरस्वती हो, सभी ने ब्राह्मणवाद की वकालत की। तो ब्राह्मणवाद है क्या? इसके लिए मैं चाणक्य का एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, जो उसने नंद के सभा में कहा था कि ब्राह्मण आश्रित नहीं है, वह ज्ञान की अमृत धारा पीता है और ज्ञान की धारा लेकर के विचारता और राष्ट्र के कल्याण की कामना करता है। माधव श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है कि ब्राह्मण को कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण वही है व्हिच इज द सोर्स ऑफ ऑल द वेल्थ, सोर्स ऑफ ऑल द विजडम, सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज एंड वर्किंग फॉर द मासेस एंड द नेशन, बट डज नॉट इंजॉय एनीथिंग। आज के दिन में ब्राह्मणवाद की जो सबसे बड़ा परिभाषा है तो स्वामी रामदेव है। कितनी बड़ी साम्राज्य जन कल्याण के लिए खड़ा किया, लेकिन अपने लिए हिंदू धर्म ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तरह ब्राह्मण नहीं करो, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद ज्ञान लाता है, ब्राह्मणवाद धन के स्रोत बताता है, लेकिन अपने उपयोग नहीं करता, सबको बराबर अवसर देता है। उस बराबर अवसर के कारण हिंदू धर्म में दलित जाति से आके जो मायावती जी ने हासिल किया है हिंदू रहते हुए, जो लालू जी ने पिछड़ों के लिए हासिल किया है, मुलायम सिंह जी ने हासिल किया है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जो सुधार हुए हैं, या दुनिया धर्म ने ऐसे हासिल नहीं किए। खास के मायावती जी, लालू जी तो हिंदू धर्म के बहुत बड़े उदाहरण है जो इन्होंने इस धर्म में हासिल किया है। तो और उनको लग रहा है कि बुद्धिज्म पर खतरा ब्राह्मणवाद से है, एकदम गलत है। उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। तो इतिहास बुद्धिज्म समाप्त हुआ क्योंकि इसने अपने को एंटी नेशनलिज्म से जोड़ा। इतिहास में लिखा हुआ दस्तावेज है, एक जयशंकर प्रसाद का ही किताब पढ़ लो और बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। ये बुद्धिस्ट मठ धर्म के केंद्र नहीं होके राजनीति के केंद्र थे और विदेशी आक्रांताओं के एजेंट की तरह काम करते थे। इस जनमानस में इनके विरुद्ध विद्रोह फैला। ये तो बुद्धिस्ट धर्मन के जो मठ थे, ये गौतम बुद्ध की मूल बात भूल गए। बुद्धिज्म था, हिंदू धर्म में उदारता सुधार, लेकिन एंटी नेशनलिज्म नहीं थी। एंटी नेशनलिज्म के कारण बुद्धिस्ट खत्म हुआ हिंदुस्तान से, क्योंकि भारत में कोई भी एंटी नेशनलिज्म नहीं सह सकता। उनको उदाहरण लेना है तो सिख धर्म से ले। सिख धर्म भी इसी समाज सुधार से उत्पन्न हुआ, लेकिन सिख धर्म नॉट ओनली एग्जिस्टिंग बट थ्राइविंग बिकॉज इट स्टूड फॉर द नेशनलिज्म। सिख धर्म रक्षा से, गौर ब्राह्मण रक्षा से अपने को जोड़ा। सिख धर्म भारत की एक उदात्त छवि है। तो उनको जानकारी नहीं धर्म की। कैन ही डेयर टू गो एंड टेल इन अमेरिका कि रिमूव द डॉलर कॉलोनी? आई डोंट थिंक ही कैन से सो। कैन कर्नाटका और लिंगायत शुड मैरी टू द दलित? कैन ही गो टू तमिलनाडु एंड कैन टेल द चेटियार बनियार टू मैरी विद द थेवा? नो, इट इज इजी टू हैव अटैक्ड ब्राह्मीन इफ पर्सनल ग्रेज ही मे बी रॉन्ग पर्सन मे बी एनी वेयर बट दिस ब्राह्मण ब्राह्मणवाद इज द कोर डेफिनेटली ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। इट विल टेक हिम इयर्स टू अंडरस्टैंड। एट लीस्ट ही शुड रीड वन बुक बाई द डॉक्टर पवन वर्मा, आदि शंकराचार्य, वेर ही हैज टोल्ड कि थ्योरी ऑफ शंकराचार्य इज कंसिस्टेंट विद द टाइम
एंड व्हाट इज द थ्योरी ऑफ शंकराचार्य? ब्राह्मण रक्षित है, राष्ट्र रक्षित है. तो ही शुड लर्न इट. व्हाट इज द इंडिया? ब्राह्मण है सेक्रीफाई. एटलीस्ट ही शुड लर्न कि व्हाई इन 1857 ए फर्स्ट स्पार्क केम फ्रॉम द मंगल पांडे. ए बुलेट फायर्ड बाय द मंगल पांडे. ही वाज अ ब्राह्मी एंड डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ ब्राह्मीनहुड. सो ही इज एट अ रॉन्ग नो ही इज हैविंग रॉन्ग नो सर. ही शुड लर्न. ही शुड रीड द इंडियन हिस्ट्री. ही शुड लर्न हिंदू रिलीजन इज नॉट सेट टू डिस्ट्रॉय एनी वन बट एनी वन इज द एंटी नेशनल्स इट विल बी डिस्ट्रॉयड. एंड फॉर दैट ब्राह्मीनिज्म इज कमिटेड. Brahminism is committed against the anti-national. Nothing else. So he should learn. Definitely, definitely. काफी fire, काफी anger, काफी roasting देखने को मिला है इस clip में. I hope audience को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि sir जो Brahminism should not be attacked. Which is definitely. Which is supported by Madhav Sri Krishna. अस्पष्ट उन्होंने जयसंध के साथ संवाद में कहा है कि ब्राह्मण को कोई आदेश नहीं दे सकता. अगर कोई ब्राह्मण को आदेश दे रहा है तो ब्राह्मण नहीं आकर है. द्रोणाचार्य भी वही कह रहे हैं. द्रोणाचार्य की इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है? उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था. इसके लिए उनको कितनी बेइज्जती है. इतिहास में उन पर एक कलंक है. लेकिन उसका मूल कारण था कि ब्राह्मण होते हुए उन्होंने कौरवों की चाकरी शुरू की. लेकिन उसी एकलव्य का वध माधव श्री कृष्ण ने किया है लेकिन कोई उन पर अंगुली नहीं उठाता है. क्यों? असली ब्राह्मण तो माधव ही जो हर तरह से कर्म योग की शिक्षा दिया. किसी चीज में लिपटे हुए नहीं. वी मस्ट डिस्कस इट. इफ देयर इज डेफिनेटली हिंदू रिलीजन इज ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूव इट ऑलवेज. एंड गौतम बुद्ध ओनली इनिशिएटेड द इम्प्रूवमेंट बट इट वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन. वी विल डिस्कस इट. डेफिनेटली कंट्री मस्ट डिस्कस इट. बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सीएन अन्नादुरई. डेफिनेटली ये ट्रस्ट मी गाइस ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पे हम लोग रिलीजन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, महाभारत, रामायण, एक कनेक्शन जो ब्राह्मणवाद का है वो सीखने वाले हैं. मुझे काफी इन 5 मिनट्स में बहुत ही इनसाइट्स मिले हैं. आई थिंक जो डिस्कशन होगा 25 to 30 मिनट्स का उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एनी हाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. मिलते हैं बहुत जल्द.